क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 11 सी का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले बता चुके हैं, जो भी स्टूडेंट इसको अगर नहीं देखे हैं तो उसको जो है ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 8 सेमी दूरी स्थित एक बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचिए और इसकी लंबाई नापिए। जैसा पहला है वैसा ही जो है दूसरा भी है, बशर्ते कि इसमें जो है ये जो रेखा खींचेंगे इसकी लंबाई नापना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आते हैं हम लोग अपने व्हाइट स्क्रीन पे। हाँ, ये हमारा व्हाइट स्क्रीन है। मान लीजिए कि आपका व्हाइट स्क्रीन है और हम लोग क्या करते हैं, क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचने के लिए कह रहा है। तो 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचने का मतलब कि हम लोग त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का नाप लेंगे प्रकार की सहायता से। तो प्रकार की सहायता से हम लोग 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या नाप लेते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, और ये रहा 4 सेंटीमीटर। देखिए 4 सेंटीमीटर वा जो है बढ़िया से नापिए। हाँ, ये रहा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर हो गया। 4 सेंटीमीटर हमने जो है चाप भर लिया और इससे जो है 4 सेंटीमीटर का हम लोग एक सर्कल खींच देते हैं। खींचिए सर्कल, खींचिए सर्कल। हाँ, ये रहा 4 सेंटीमीटर का, ये रहा 4 सेंटीमीटर का सर्कल। अरे हाँ, ठीक 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 तो 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल हो गया। अब कह रहा है कि केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी स्थित एक बिंदु। तो केंद्र से जो 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए, ये रहा इसका केंद्र, ये रहा। ठीक है, और केंद्र से 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए, सीधा सीधा खींचिएगा। तो 8 सेंटीमीटर का एक रेखा हम लोग खींच देते हैं। ये रहा 8 पॉइंट और ये रहा 1 पॉइंट। ठीक है, तो ये रहा 8 सेंटीमीटर का एक रेखा। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर का एक रेखा हो गया। अब क्या करेंगे, इस रेखा का लंबाधर लंबार्धक करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका लंबार्धक यानी कि आधा इसका करके और एक वृत्त खींचेंगे हम लोग, और वो जहाँ काटेगा वहाँ से जो है स्पर्श रेखा का निर्माण होता है। तो इसका जो हम लोग अर्धक करना है, तो इस रेखा का आधा से अधिक दूरी ले लीजिए। ठीक है, इस रेखा का प्रकार से आधा से अधिक दूरी भरिए। ठीक है, मैंने प्रकार से आधा से अधिक दूरी ले लीजिए और तब इधर एक कट लगा दीजिए और इधर एक कट लगा दीजिए। ठीक, और इसी माप से यहाँ पे जो है प्रकार को भरिए, माने इस प्रकार का हाइट ऐसे इतना पर ही रहेगा। ठीक है, इसमें छेड़खानी मत कीजिएगा। ठीक, अब जो है इसको मिला दीजिए। तो ये जो है इस रेखा को आधा आधा बराबर भागों में बांट देगा, आधा आधा कर देगा, आधा कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग लगभग आ रहा है इसका आधा आधा बिंदु यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको त्रिज्या ले लेंगे। इस पॉइंट को, ये जो वृत्त हम लोग खींचेंगे इसको जो है त्रिज्या मान लेंगे, त्रिज्या मान लेंगे, चाहे त्रिज्या कर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए ये जो है एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको जो है त्रिज्या लेके और इसके चारों तरफ एक वृत्त खींच देंगे। ठीक है, देखिए ओहो गड़बड़ हो गया। ठीक है, मान के चलिए ये वाला है, ये पॉइंट है, और इसीलिए एक ही बार में वृत्त खींच लेना चाहिए। ठीक है, ये रहा। ठीक है, हिल जाता है, गड़बड़ हो जाता है, किधर गया रबड़ भाई, रबड़ है नहीं। ठीक है, रबड़ ही नहीं है भाई, क्या करें। तो मान के चलिए आप लोग ये वाला वृत्त है, कौन सा वाला ओरिजिनल वृत्त आपका कौन सा है, इसको मिटा दीजिएगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, और ये नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काटा है। ठीक है, और फिर ये वाला यहाँ पे काटा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रबर है नहीं भाई, क्या करें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, ये जो है पॉइंट मिल गया। ठीक है, और ये पॉइंट मिल गया। ये जो है पॉइंट मिल गया। ठीक है,
अब कह रहा है इसको नाप लीजिए, तो नापिए तो ये लगभग ये जो है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको कह देंगे हम लोग ये भी 7 है, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए हो जाएगा, ये जो है वृत्त का केंद्र है तो वो हो जाएगा, ये जो है बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये डबल वृत्त जो है खिंचाया गया है गलती से, तो इसको काट दीजिएगा, ठीक है। हमारे पास मेटा है नहीं, इसलिए ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है, यही एक सर्कल रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये वृत्त बन चुका है, ठीक है। तो यही कह रहा था बनाने के लिए, तो संभवतः आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर ये कितना था, 2 था, ठीक है। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पर डे एक रचना मिलेगा, और इसको जो है करते जाइए, ठीक है। और रचना में से जो है आपका 4-5 नंबर का आता है, तो इसको जो है ज़रूर देखते रहिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।